नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं चार बार के विधायक गुड़ के नागेंद्र सिंह जी के पास। किसी जमाने में कांग्रेस में थे, कांग्रेस के समय में उस समय के दिग्गज नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के काफी नजदीकी माने जाते थे। किन परिस्थितियों में आपने भाजपा ज्वाइन की, आज तक किस तरीके से राजनीतिक इतिहास रहा, आज बातचीत इसी की होगी। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जब आप कांग्रेस में थे और आज आप भाजपा में हैं, तो आप दोनों पार्टियों में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए जावेद जी, मैं कांग्रेस पार्टी में सन 98 तक रहा और किन परिस्थितियों में मैंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ज्वाइन की, इस विषय का आपका प्रश्न चूंकि नहीं है इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि भाजपा और कांग्रेस में क्या आपको अंतर दिखा और आपको हमको राजनीतिक वातावरण मुझे आज कैसा लग रहा है, उस विषय में मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे पुराना और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहा है। आज की कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसके विषय में आपके राष्ट्रीय और तमाम चैनलों और अखबारों में तमाम चर्चाएं गाहे बगाहे होती रहती हैं और कहां से कहां कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है, इसकी खोजबीन भी और चर्चाएं होती रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के आकाओं को इस बात का मंथन करना चाहिए कि हम 100 से 0 तक कहाँ क्यों पहुँचे। ऑलमोस्ट रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, उस सन 81 में 82 में 80 में जो पार्टी 2 सांसदों की रही हो और आज पूरे भारत में शासन कर रही है, अमूमन भारत के जितने राज्य हैं उनमें अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर भारत की साख बढ़ी है, ये बात पूरी दुनिया कह रही है, पूरे लोग कह रहे हैं। जिनको आलोचना करनी है वो तो करेंगे ही, अलग बात है। लेकिन चाहे हमारी सामरिक स्थिति की बात हो, चाइना जैसे और पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी हमारे देश हैं हमेशा भारत को किसी न किसी रूप में उलझाए रखना चाहते हैं, एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ सीमा का उनका विस्तारवादी नीति चीन की, उन सबके बीच भारत ने कहीं घुटने नहीं टेके बल्कि मजबूती से उनका सामना किया और समझौते पर बाध्य होना पड़ा उन लोगों को और अपने अपने पोजीशन पर आज चले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी भारत की साख बढ़ी है और जो वर्तमान सर्वे हुए हैं उसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। कोरोना इतना बड़ी महामारी आई, इसकी तुलना यदि आप इस रूप में करें, थोड़ा ध्यान देके कि भारत की आबादी और अमेरिका की आबादी, ऑस्ट्रेलिया की आबादी, ब्रिटेन की या अन्य और तमाम जर्मनी की आबादी के तुलना में वहाँ कितना रहा और कितना कंट्रोल हुआ, वो परसेंटेज निकालेंगे तो भारत में बहुत अच्छी इसकी प्रगति रही। आबादी हमारी एक सौ पैंतीस करोड़ आबादी है और वहाँ 18-20 करोड़ आबादी है देशों की, उस तुलना में हमारे यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी रही। इकनॉमी में असर पड़ा, उसको भी संभाला जा रहा है, इसलिए मैं ये मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में एक अच्छा काम कर रही है और इसलिए पहले राष्ट्र है, चाहे हम जिस कौम के हों, जिस जात के हों, जिस देश में हम हैं वो पहले राष्ट्र है तभी तो हम हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को की मजबूती और उसकी राष्ट्रीय विचारधारा के साथ सहमत हूँ और मुझे लगता है कि कांग्रेस एक सर्वदलीय पार्टी थी, सबको लेकर साथ चलने वाली पार्टी थी,
हम भी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम पर यह लगाया जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं, लेकिन हमको ये तो बताइए कि दंगे आंदोलन पहले अधिक होते थे कि आज अधिक हो रहे हैं? दंगे आंदोलन की बात बाद में होगी, आज बात केवल कुछ विशेष मुद्दों पर ही। जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रहित भाजपा का पहला वो था, आज राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इसलिए मैं भाजपा में। मेरा एक दूसरा सवाल आपसे है, आप कांग्रेस में निगम के अध्यक्ष भी थे, भारतीय जनता पार्टी से लगातार आप विधायक रहे हैं, गुड़ क्षेत्र में आपने काम भी किया है। एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण वहाँ जो एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है, जो कि कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। साथ ही आपने भैरवनाथ बाबा में भी बहुत सारा काम किया। आपको अगर ऐसा नहीं लगता कि अगर पावर मिला होता तो रीवा जिले का कुछ और विकास होता? देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से सही है कि पावर जब रहता है तो काम अधिक कर सकते हैं आप, लेकिन ये पावर देना पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसलिए उसमें अधिक में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। चलिए, खैर ये तो अलग बात हुई थी, बात अगर अधूरी रह जाएगी करंट टॉपिक पर बात न हो। इस समय पड़ोस में अफगानिस्तान में काफ़ी विवाद चल रहा है। अफगानिस्तान को जो भी वहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य हैं, क्योंकि आप राजनीति के बहुत बड़े जानकार भी रहे हैं, तमाम तरीके की किताबें और खेल और तमाम साहित्य से भी लगातार आप जुड़े रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य को कैसे देखते हैं आप अफगानिस्तान? देखिए, अफगानिस्तान में शांति होनी चाहिए, वहाँ के नागरिकों को सद्भावना के साथ और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तालिबान जो कुछ कर रहा है और जो फुटेज हम देखते हैं, जो बयानात देखते हैं पत्रकारों से, विशेषकर वहाँ की एक महिला पत्रकार का कल इंटरव्यू आ रहा था कि उनको स्टूडियो में जाने से रोक दिया गया और उनके साथ कह दिया गया कि अब तुम काम नहीं कर सकती। एयरपोर्ट के जो दृश्य आ रहे हैं, ये सब महिलाओं और आम आदमियों के साथ अत्याचार, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। तालिबान जो कुछ कर रहा, गलत कर रहा है। वहाँ का शासक जो भी हो, तालिबान और अफगानियों का झगड़ा आज का नहीं है, तालिबान पहले भी शासन कर चुका है और वे उनका ये एक मसला है, उनका जो दुनिया के लोगों के हस्तक्षेप से समझदारी से इसको हल करना चाहिए। लेकिन जो अत्याचार और अनाचार हो रहा है आम लोगों के साथ, विशेषकर महिलाओं बच्चियों के साथ, ये तुरंत बंद होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तालिबान एक तरफ कहता है कि हम महिलाओं को उनकी पूरा सुरक्षा करेंगे, सब करेंगे, और दूसरी तरफ आज रिपोर्ट आ रही कि भारतीय दूतावास में घुस गए आप, दूसरी तरफ रिपोर्ट आ रही कि महिलाओं को कह दिया गया कि आप घर से बाहर ना निकलें। तो ये सब उचित बिल्कुल नहीं है। जो भी हो, दुनिया को, यूएनओ को इंटरफियर करके वहाँ शांति व्यवस्था कायम करनी चाहिए, ये मेरा। दुनिया में शांति व्यवस्था हो उसके लिए यूएनओ को आगे आना चाहिए, अफगानिस्तान में भी शांति हो, पड़ोस में शांति रहेगी तो अपने यहाँ निश्चित रूप से शांति रहेगी। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है, रीवा जिले की बात की जाए, आठों विधानसभा की अगर बात की जाए, तो अभी आपके क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा, खास तौर से अगर हम गुड़ क्षेत्र की बात करें, उद्योग धंधों का वहाँ पर अभाव है। जब से आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा उतना विकास तो नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में, अगर आप अगला आपको कभी जब पावर मिलता है, तो आपकी केवल सबसे केवल एक ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी होनी चाहिए जिससे इस क्षेत्र का विकास हो? मैंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, यहाँ की जनसभाओं में उनसे निवेदन किया है कि यहाँ का जो खनिज है, हमारे तत्कालीन विंध्य प्रदेश, आप आज यह कहिए रीवा डिवीज़न का, वन के रूप में, खनिज के रूप में और जल के रूप में, ये ऐसे तीन हमारे पास साधन उपलब्ध हैं कि हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो भी जिसकी रॉयल्टी जो सबसे ज़्यादा इस अंचल से जाती है, उसी अनुपात में यदि विकास के कार्यों में पैसा इस अंचल को दिया जाए, तो यहाँ के रोजगार, बेरोजगार युवाओं को
शिक्षित नवयुवकों को, बिना पढ़े लिखे हुए तमाम नवयुवकों को, उनको हम रोजगार के अवसर दे सकते हैं। इसके लिए मैंने बारंबार निवेदन किया था कि एक यहाँ खनिज, जैसे बालू है, अन्य खनिज है, ये है अपने धुअर पहाड़ में क्या निकलता है, वो बॉक्साइट है, इस तरह के जंगल बहुत है, जंगल आधारित, खनिज आधारित और जल उपलब्ध चूँकि है, हमारे पास बाणसागर और सोन और टमस जैसी बड़ी नदियां हैं, इनका उपयोग यदि भरपूर किया जाए एक मास्टर प्लान बनाकर, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने की थी और ये कहा था कि यहाँ के लिए हम अलग से मास्टर प्लान बनवाएंगे, उसके लिए मैं बराबर प्रयत्नशील हूँ और हमारे सब विधायक प्रयत्नशील हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का सिंचाई में काफ़ी काम हो चुका है। आपने एक बात कही कि विकास कम हुआ है, विकास तो हमेशा कम रहता है, अमेरिका में भी वो जगहें हैं जो भी विकसित नहीं हुई हैं, हैं विकास की कोई सीमा नहीं है, हमेशा विकास होते रहता है। पहले हम कार्य पास रोडें नहीं थी तो हम गिट्टी की रोड मांगते थे, आज हम सीमेंट के गांवों गांवों में रोड मांग रहे हैं, हो रही हैं। अब प्रधानमंत्री रोडों का देखिए जाल बिछा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास बने हैं, अब कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। कल कोई कह रहे थे कि वो बैलगाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, हम क्या बैलगाड़ियाँ आप कहाँ चलेंगे, अब तो ये चल रहे हैं ऑटो रिक्शा गांवों गांवों में। तो विकास तो इस मामले में हुआ है, विकास की कमी यदि है तो उद्योग के क्षेत्र में है, जिससे हमारे बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहूँगा मैं, सुनाते मैं आपके ये महत्वपूर्ण चैनल है कि मैंने एक पहल की है, मैंने संकल्प दिया है विधानसभा में कि रीवा में लड़कियों के लिए एक विश्वविद्यालय अलग से खोले जाना चाहिए। रीवा का इतिहास रहा है पढ़ाई लिखाई का, बाणभट्टे यहीं के हैं, कालिदास यहीं के हैं, यही अमरकंटक में ही उन्होंने में एक दूत अमरकंटक पर लिखी है और एक एक से एक बड़े कवि और लेखक हुए हैं, और पढ़ाई का स्तर यहाँ यूपी से लगा होने के कारण बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के कॉलेजेस में यहाँ के लड़कियों की भी पढ़ाई, तो विंध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, उसकी पुरातन राजधानी रीवा थी, उस नाते रीवा में एक अलग से लड़कियों का विश्वविद्यालय खुले तो लड़कियों को जो बाहर नहीं जा पाती हैं में करने के बाद, या कि रिसर्च का जो अभाव रह जाता है वो भी पूर्ण हो सके, इसलिए उससे भी उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुड़ क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी, जिनकी इच्छा है रीवा में एक लड़कियों का विश्वविद्यालय खुले, साथ ही तमाम पहलू पर उन्होंने बातचीत की। न्यूज़ नेटवर्क टुडे को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।